सर्ग चार कर्म भक्ति। राधा जी, अब बात धीरे धीरे समझ में आवत है हमें, किंतु भक्ति करते करते क्या कर्म का भी कोई महत्व रह जाता है? बहुत बड़ी बात पूछ ली तूने। इसका उत्तर एक बहुत ही रोचक कहानी में है। कहानी? कैसी कहानी, मुझे सुनाइए ना। कहानी तो हम भी उत्सुकता से सुनेंगे। तो सुनो, कहानी का नाम है कर्म भक्ति। एक दिन मैं सज धज के निकली अकेली मार्ग पे। जंगल का वह मार्ग निर्जन, आगे बढ़ी कर निर्भय मन। हाथों में था मेरे सुंदर कंगना, गले में प्रिय स्वर्णहार अपना, कानों में कीमती झूलते झुमके, आंखों में काला अंजन भर के। ऐसा कर मैं 16 सिंगार, निकले मन में ले बहु विचार। मन में अहम भरा था भारी, आशंकित हुई जब बिल्ली गुजरी। एकाएक एकाएक भयानक डाकू आया, मार्ग मेरा उसने जबरन रोका। कठोर स्वर में थी क्रूरता भरी, हरक्त आके देख में डरी। हाथ में भली मोटी लाठी थी, कमर में लंबी छुरी लटकी थी। मन मेरा कांप गया भय से, शब्द एक ना निकला मुख से। दौड़ने की शक्ति पगों में न थी, जान तो मानो मेरी सूख गई थी। कंगन निकाल दे हाथों से, क्रोधित स्वर डाकू बोला मुझसे। ना ना कर मैंने विरोध किया, कलाई से कंगन मोरा छीन लिया। अटाहस फिर उसने किया, घबराया उससे मोरा जिया। किंतु अजब फिर घटित हुआ, मेरा प्यारा कंगन उसने फेंक दिया। गले का हार दे दे मुझे कोमला, डरावनी आवाज में डाकू मुझसे बोला। ना ना कर मैंने विरोध किया, गले का हार उसने खींच लिया। अटाहस फिर उसने किया, घबराया उससे मोरा जिया। किंतु अजब फिर घटित हुआ, प्यारा हार उसने फेंक दिया। एक एक अलंकार यो छीन लिए, घने अंधकार में फेंक दिए। अलंकारों में फंसा था मेरा जिया, रो रो व्याकुल हुआ मेरा हिया। एकाएक सुने फिर डाकू के बोल, अब अपना हृदय तू मुझे दे डाल, देती है हृदय कि भूख उछला छाती में। बोला डाकू मुझसे कठोर स्वर में, कैसे दे दू अपना हृदय उसे भला। मूर्छा आई सोच, कैसे टले ये बला। तब याद आई मुझे मेरे प्रभुवर की, कान्हा कान्हा मैंने बड़ी पुकारी। अजब डाकू था, मधुर मुस्काया, क्रोधित आंखों से उसने समझाया। पोटली से निकाले स्फटिक कंगन निराले, मृदु वचनों से मेरे हाथों में डाले। असत्य मत पहनो ओ सुंदरी, कर्मबद्ध हाथ शोभित होते नर नारी। हार पहनना प्रभु नाम का सदा, कर्णफूल दैवी भक्ति के राधा। हृदय में रूप प्रभु का अधिष्ठित करना, कौन लेगा उसे देखूंगा मैं सगुना। ऐसा है यह मार्ग कर्म भक्ति का राधा, पार होगा जीवन वन रखना श्रद्धा। स्तब्ध हुई मैं उसकी ज्ञान पूर्ण बातें सुन, चिर परिचित लगे डाकू बोले मेरी धड़कन। कौन तुम, कौन हो तुम, मैंने प्रश्न किया, लेकिन वो निरुत्तर ही चला गया। अचानक अचानक सिर की पगड़ी सरक गई, घुंघराले बालों में मोरपंख दिया दिखाई। हल हुई पहेली, प्रभु प्रीत उमड़ी, बार बार प्रणाम कर मैं रही खड़ी। कान्हा कान्हा जरा रुको पुकारने लगी, कान्हा कान्हा कहते ही निद्रा से जगी।
ये तो बहुत सुंदर कथा है राधा मैया, बहुत ही सुंदर। इसमें कितने पहलू हैं भक्ति के। हम सब जान गए कि झूठे अलंकार छोड़ दे और कर्म भक्ति के अलंकारों को पहन ले। अर्थात कर्म और भक्ति तो साथ साथ चलते हैं, है ना?